हमारा शरीर अपनी ऊर्जा के लिए भोजन पर निर्भर रहता है। हमें अपनी जरूरी शारीरिक गतिविधियों के लिए तमाम तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसा भोजन जो इन सभी जरूरतों को पूरा कर सके वो संतुलित आहार कहलाता है, जो आपके शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। उन पोषक तत्वों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित पोषण के लिए ताज़ा फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन अपने रोज के आहार में लेने चाहिए। शरीर के लिए जरूरी हैं पोषक तत्व। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज है। विटामिन। विटामिन ए प्रमुख पोषक तत्वों में से एक माना जाता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार से लाभदायक होता है। विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड। संतुलित आहार आपकी पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। एक विविध संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए आपको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। कुछ बीमारियों को रोकता और उनका उपचार करता है। स्वस्थ भोजन से मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जैसी कुछ बीमारियों के विकास को रोका जा सकता है। पोषक तत्वों की कमी का असर लंबाई, वजन, कमजोरी और दुर्बलता के रूप में सामने आता है, तो थकान, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द होना अनीमिया के सामान्य लक्षण हैं। जब दैनिक आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और खनिज जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तब धीरे धीरे महिलाएं खून की कमी का शिकार होने लगती हैं। इन फूड्स को एक साथ खाने से मिलता है दोगुना पोषण, दही और नट्स, क्योंकि इससे रोजाना की कैल्शियम की जरूरत की पूर्ति होती है। फल और सब्जियां, ओट्स और दूध, लाल दाल के साथ शकरकंद, चावल और बीन्स, मछली, मीट, अंडे, नट्स और दालें। सबसे पहले आपको अपने नाश्ते के समय का खास ध्यान रखना है और एक्सपर्ट के अनुसार सुबह 8 से 10 बजे के बीच आपको नियमित तौर पर नाश्ता कर लेना चाहिए। सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए, इसलिए अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपको 2 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। कहते हैं स्वस्थ रहने के लिए आपको नाश्ता और लंच सबसे हेल्दी और हैवी खाना चाहिए। आपको दिन भर की कैलोरी का 15% नाश्ते में, 50% दोपहर के खाने में, 15% इवनिंग स्नैक्स में और 20% रात के खाने में लेना चाहिए। दूध एक संतुलित आहार है जिससे शरीर में ठंडक व तरावट रहती है और तनाव दूर होकर स्फूर्ति बढ़ती है। स्वस्थ आहार वो है जो कि स्वास्थ्य को बनाए रखने या उसे सुधारने में मदद करता है। स्वस्थ जीवन चाय, कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इन चीजों से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यह कई चिरकालिक स्वास्थ्य जोखिम जैसे कि मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार में निम्नलिखित शामिल हैं: वसा रहित और कम वसा युक्त दुग्ध उत्पाद जैसे कि कम वसा वाला दही, पनीर और दूध, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि कम चिकनाई वाला मांस, मछली, पोल्ट्री, मुर्गी, छिलकेदार फलियां और मटर, साबुत अनाज युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि गेहूं की रोटी, दलिया और भूरा चावल, ब्राउन राइस, पौष्टिक आहार स्रोत, केला, आवोकाडो, मूंगफली, बादाम, मूंगफली, संतरा, गाजर, टमाटर, शकरकंद, चुकंदर, आलू, खजूर, दही व दूध। क्यों जरूरी? यकृत के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सुबह नाश्ते में खाने चाहिए ओटमील। ओटमील सुबह अगर किसी ब्रेकफास्ट को खाने की सलाह दी जाती है तो वो है ओटमील, केला, दही, सेब और संतरा, अंडा, चिया सीड्स। इसके अतिरिक्त भोजन में सभी पोषक तत्व होने चाहिए, अर्थात मांसपेशियों और उत्तकों को सबल बनाने के लिए प्रोटीन, ऊर्जा या शक्ति प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, मजबूत हड्डियों और रक्त के विकास के लिए खनिज लवण और स्वस्थ जीवन एवं शारीरिक विकास के लिए विटामिन। नहाने और सोने के पहले और भोजन के बाद मूत्र त्याग अवश्य करें। ये अनावश्यक गर्मी, कब्ज और पथरी से बचा सकता है। फल, दूध से बनी मिठाई, तैलीय पदार्थ खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य की विशेषताएं हैं।
दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य है। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारियाँ होना अत्यंत जरूरी है। कुपोषण प्रायः पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें। सही खाना खाएं, स्वस्थ रहें। Thanks a lot of watching the video. Please feel free to give suggestion, send motivational videos for the of benefit society, raise your voice by making and sending plays, stories etc. Let us create awareness together. Please feel free to call us if you require any help. You can also be a part of our team or channel as a member or associate. Please call us our contact phone number at 9818003999 or on another phone number at 9540003999 or email at info.consumertimes@gmail.com. Visit our website www.consumertimes.in. Please like this video. Please like, share and subscribe our channel will motivate our team to work hard. Thank you.